हम कन्फेशन करेंगे जब हम कबूल कर रहे होते हैं, तो ये शब्द अगर आप हिंदी भाषा में बोलना चाहते हैं आप हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में इन कबूली के शब्दों को बोलना चाहते हैं आप इंग्लिश भाषा में भी बोल सकते हैं। अगर आपको अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने मुँह से इसे बोलना बेहद ज़रूरी है। I have been given the authority in the name of Jesus to heal the sick and cast out devils. I am yielded completely to the Holy Spirit and I am filled with the knowledge of God's will in all wisdom and spiritual understanding in dealing with every situation. Hallelujah. मुझे अधिकार दिया गया है यीशु के नाम में कि मैं रोगों को चंगा करूं और शैतानी आत्माओं को निकाल दूं। मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं पवित्र आत्मा को और मैं परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान से पूर्ण रूप से भरा हुआ हूं। उसकी सारी बुद्धि और आत्मिक समझ के साथ जो मुझे सारे परिस्थितियों के साथ निपटना काबिल कर देती है। हम हालेलुया, हम मनन करने वाले वचन पढ़ेंगे ल्यूक 9 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स। आज मेडिटेट करने वाले मनन करने वाले वचन है मैथ्यू 10 चैप्टर 8 वर्स, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 2 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 8 वचन। हम मनन करने वाले वचन इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एक मैथ्यू 10 चैप्टर 8 वर्स जो है वो NIV वर्शन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में जब पढ़ेंगे तो हम सब वचन भी SI बाइबल में से पढ़ेंगे। ल्यूक 9 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। ल्यूक 9 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स, देन ही कॉल्ड हिज 12 डिसाइपल्स टुगेदर एंड गेव देम पावर एंड अथॉरिटी ओवर ऑल डेविल्स एंड टू क्योर डिसीजेस and he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 9 चैप्टर 1 वर्स 2 वर्स, देन ही कॉल्ड हिज 12 डिसाइपल्स टुगेदर एंड गेव देम पावर एंड अथॉरिटी ओवर ऑल डेविल्स एंड टू क्योर डिसीजेस एंड ही सेंट देम टू प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड एंड टू हील द सिक। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1-2 वचन, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1-2 वचन, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 1-2 वचन, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया
और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हम NIV बाइबल में से न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से मैथ्यू 10 चैप्टर 8 वर्स पढ़ेंगे। हील द सिक एंड रेज द डेड, क्लियंस दोस हु हैव लेप्रोसी, ड्राइव आउट डीमंस, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली गिव। और एक बार पढ़ेंगे मैथ्यू 10 चैप्टर 8 वर्स NIV वर्स न्यू इंटरनेशनल वर्जन में से। हील द सिक, रेज द डेड, cleanse those who have leprosy, drive out demons, freely you have received, freely give। इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 वचन BSI बाइबल में से। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंत मिंत पाया है, सेंत मिंत दो। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 वचन। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेंत मिंत पाया है, सेंत मिंत दो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम इन वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं और हम निश्चित पवित्र आत्मा फिट एंड फिक्स किए गए हैं इस वचन के आधार से, और ईश्वरीय रचना में हमको तूने बनाया है, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में तू हमें लेकर आ रहा है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।